चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 10.4, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है। दिया गया इसमें CH2Cl2 है, ठीक है। ये 10. आपका 4 है, दिया गया है CH2 और Cl2 है, फिर दिया गया आपका CHCl3 है, CH है, Cl3 है और CCl4 है। नहीं देखिए, ध्यान देना, इसमें पूछा गया किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है। अरे द्विध्रुव आघूर्ण की बात आती है तो द्विध्रुव आघूर्ण में अगर देखा जाए, अगर किसी कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं, जैसे इसकी चारों संयोजकताएं पर अगर लिखा हो H यहाँ पर भी हो, H यहाँ पर, ये मेथेन की संरचना है, H यहाँ पर हो गया, H यहाँ पर, बॉन्ड एंगल का मान होता है 109°28', ठीक है। ये आपका क्या होगा, 109°28'। इसकी संरचना जो चतुष्फलकीय होती है और जो इसके अंदर संकरण जो पाया जाता है वो sp3 संकरण होता है। इसी के आधार पे सबकी संरचना होगी, CH2Cl2 का भी संरचना होगा, सबकी संरचना होगी। अगर देखा जाए ऐसे CH2Cl2 है, ठीक है, और ये CHCl3, तो अगर हम बात करें CH2Cl2 की, नहीं आप रख सकते हो इस तरह से, C हो गया, एक Cl यहाँ पर रखा गया और एक Cl यहाँ पर रखा गया, H यहाँ पर हो गया और H यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लोरीन परमाणु जो होती है उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। इसके म्यू का मान 0 है, इसके म्यू का मान द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा, क्योंकि कार्बन परमाणु के चारों ओर लगने वाले हाइड्रोजन परमाणु समान है, जिसके लिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं CH2Cl2 की, अब क्या होता है, अभी भी इसके अंदर बॉन्ड एंगल वही आपस का 109°28' का है, 109°28'। तो भैया यहाँ पर क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, और जब कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, तो ये अपनी ओर खींचेगा, इसका नेट रिजल्टेंट इधर की तरफ खींचा जाएगा और ये इसको इधर की तरफ खींचेगा। इन दोनों क्लोरीन परमाणुओं का बल जो होता है एक साथ लगने के कारण ये जो नेट रिजल्टेंट होता है वो इस तरफ जाता है, ठीक है, जिसके कारण इसके म्यू का मान जो होता है वो सबसे अधिक होगा। म्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, म्यू का मान जीरो नहीं होगा। अब और देखा जाए, बात अगर करते हैं हम लोग CH और Cl3 का, तो बात अगर CHCl3 की जाए तो C के साथ आपके पास क्या होगा, एक H केवल लगा हुआ है, या फिर आपके पास क्या होगा, एक H भी लगा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ आपके पास क्या, Cl हो गया, H यहाँ पर हो गया, एक Cl यहाँ पर हो गया और एक Cl यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये CHCl3। और जब CHCl3 की बात करते हैं तो ये लगभग लगभग मान के चलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण इसके बराबर और विपरीत है, लगभग विपरीत है, पूरा विपरीत है, लेकिन आपका क्या है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर, तो ये क्या करता है, इसका नेट रिजल्टेंट मान के चलिए म्यू का मान इसका जीरो हो जाता है, ठीक है। इस दो क्लोरीन परमाणुओं का मान लगभग विपरीत होने के कारण, ठीक है, ये जीरो हो गया। लेकिन इस क्लोरीन का जो अकेले का बल है, अब ये क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा, लेकिन यहाँ पर दो क्लोरीन परमाणुओं का बल लग रहा है, यहाँ एक क्लोरीन परमाणु का बल, इसके भी म्यू का मान जीरो नहीं है, लेकिन इसके म्यू का मान जीरो से इससे कम होगा, म्यू का मान जीरो नहीं लेकिन इससे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे दो क्लोरीन परमाणुओं का बल एक साथ लग रहा है। और इसमें क्या है, इसमें तीन क्लोरीन परमाणु है, जिसमें से ये क्लोरीन और ये क्लोरीन परमाणु लगभग एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने के कारण इसका मान खत्म हो जाता है, अब खाली अकेला एक क्लोरीन बचा, और जब एक क्लोरीन अकेला बचा तो ये इसके अपेक्षा इसका बल म्यू का मान कम होगा। और आगे अगर देखें, अगला एक आता है CH, बात करते हैं, ये हो गया आपके पास क्या, सी हो गया, सी के साथ आपके पास क्या हो गया, चारों टू Cl लगाना गया, ये भी Cl हो गया, ये भी Cl हो गया, ये भी, तो जब चारों कार्बन परमाणु से लगने वाली चारों संयोजकताएं जो होती है जब समान हो गई, तो ये बराबर और विपरीत लगभग होने के कारण इसके म्यू का मान, जैसे CH4 में म्यू का मान जीरो होता है, वैसे इसमें भी क्या होता है, बराबर और विपरीत होने के कारण इनके बल का मान बराबर और विपरीत होने के कारण म्यू का मान जो होता है जीरो होता है। अर्थात सबसे ज्यादा किसका होगा, CH2Cl2 का होगा, उसके बाद CHCl3 का होगा, और सबसे कम जो म्यू का मान होगा, जो आघूर्ण होगा वो CCl4 का होगा, CCl4 का मान आपका जीरो, क्योंकि ये चतुष्फल की संरचना जो होती है, ये जो चतुष्फल की संरचना है इसमें कार्बन परमाणु से अगर चारों संयोजकताएं बराबर हो गई तो ये क्या होगा, बराबर और विपरीत बल लगाने के कारण इसके म्यू का मान जो होता है वो सबसे कम या फिर जीरो होता है।
जबकि यहाँ पर दो क्लोरीन परमाणु एक साथ बल कार्य कर रहे थे, ये क्या होगा अलग लेके जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक क्लोरीन परमाणु का बल बराबर और विपरीत होने के नाते खत्म हो जाता है, खाली एक क्लोरीन परमाणु का बल प्रभावी होता है, जिसके कारण इसके म्यूकमान इसकी अपेक्षा थोड़ा कम होता है। और इस कार्बन परमाणु की चारों संयुक्ता पर क्लोरीन समान परमाणु है, तो बराबर और विपरीत चारों ओर से हैं, और चारों ओर से बराबर और विपरीत है, इसके लिए म्यूकमान जीरो होगा। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन, सॉरी आपका जो 10.4 है उसमें म्यूकमान सबसे ज्यादा किसका होगा, CH2Cl2 के म्यूकमान सबसे ज्यादा होगा, उससे कम CHCl3 का होगा, और सबसे कम जो होगा म्यूकमान क्या होगा, CCl4 का होगा। ठीक है, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण का, इसको हम लोग कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का घटता क्रम है, द्विध्रुव आघूर्ण है और द्विध्रुव आघूर्ण का ये क्या है, घटता क्रम है, आप इसको लिख सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण का घटता क्रम। ठीक है, सबसे ज्यादा CH2Cl2 का, फिर CHCl3 का, और फिर सबसे कम जो होगा CCl4 का। अगला क्वेश्चन आता है 10.5 में दिया गया है कि भैया एक हाइड्रोकार्बन है C5H10 अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, किंतु तीव्र प्रकाश में, सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl देता हाइड्रोकार्बन की संरचना पूछी गई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनकी संरचना के बारे में, चलो हम बात कर रहे हैं समय C5 और H10 जो है वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है लेकिन अंधेरे में क्रिया नहीं करता। तो इसकी संरचना इन्होंने पूछा था कि भी अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो बनने वाला जो यौगिक होगा C5H9 और क्या होगा Cl होगा। इन्होंने दे दिया कि आपका ये 10.5 है जिसमें बताया कि एक कोई कार्बनिक यौगिक C5 है और H10 है जो क्या करता है, अंधेरे में क्रिया नहीं करता, नहीं अंधेरा, अंधेरे में अब क्रिया नहीं करता, नो रिएक्शन, RXN कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में ये क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, C5H9 बनाता है, C5 बनाता है और H9 और Cl बनाता है, एक मोनोक्लोरो उत्पाद बनाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर अंधेरे की बात आती है तो अंधेरे में अभिक्रिया जो जब नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो होती है वो हाइड्रोकार्बन की, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन क्रिया करती है, जो एल्कीन होगी इसकी दो संभावनाएं हैं, एक तो हो गया क्या, ये CH3 होगी, CH2 होगा, फिर CH2 होगा, और फिर आपका क्या CH और डबल बॉन्ड आपका CH2, एक संभावना ये होगी, लेकिन ये भी क्या आपका भैया अंधेरे में यहाँ पर क्या होगा, अभिक्रिया नहीं होगी, नहीं अंधेरा जो होगा आपका क्या, नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं। अगर अभिक्रिया यहाँ पर क्या सूर्य का प्रकाश लेते तो क्लोरीन पे आपका क्या एक उत्पाद, दो उत्पाद, तीन उत्पाद, चार उत्पाद, ये सब जगह से दिया, ठीक है, हर जगह से बनता आपका क्या, वन क्लोरोपेंटेन, टू क्लोरोपेंटेन, थ्री क्लोरोपेंटेन, फोर क्लोरोपेंटेन, सब कथन यहाँ पे आपका कुछ हटा देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अंधेरे में अभिक्रिया नहीं हो रहा, अर्थात ये कार्बनिक यौगिक ये नहीं है। क्या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया करता है, अर्थात जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया करेगा तो यह हो सकता है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे लिखा हुआ CH2, ठीक है, लिखा जाए CH2 और CH2 के साथ फिर से CH2 है, एक और CH2, CH2 बाद फिर CH2 और CH2, अगर कहीं भी क्रिया ये करता है, यहां पर क्रिया होने पर इन सभी जगहों पर हो सकता था, लेकिन यहाँ कहीं से भी क्रिया किया जाए, अगर हम लोग क्रिया कराते हैं इसके साथ भी प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट SUN और LIGHT सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इनका काम है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। ये क्या करेगा, एक Cl एक S हटा देगा, यहाँ से जब H हट गया तो बनने वाला उत्पाद जो बन गया वो हो गया CH, ठीक है, यहाँ पर आकर के Cl लग गया, यहाँ पर बचा CH2, CH2 यहाँ पर भी बचा, CH2 यहाँ पर भी बचा, CH2 यहाँ पर बचा, और ये तो आप इसको चाहे इस प्रकार से लिखिए, और चाहे हमने ऐसे भी बताया था कि भैया संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर एलिप्स जैसे चक्री है तो इसका मतलब हर जगह जितने भी कार्बनर होते उन सभी जगहों पर हाइड्रोजन परमाणु, दो दो हाइड्रोजन परमाणु हो जाएगा, ऐसा संरचना चाहे इस तरह से बनाइए, ये भी आपका शॉर्ट में ये बना सकते, प्लस हम लोग Cl2 के साथ जब क्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
सूर्य का प्रकाश, तो बनने वाला काम वही करो भैया, बस जैसा यहाँ पर था। तो चाहे जहां से आप अभिक्रिया कराएंगे, बनने वाला कंपाउंड हुआ क्या, ये साइक्लोपेंटेन क्लोराइड, ठीक है, या फिर वन क्लोरो साइक्लोपेंटेन। तो चाहे अभिक्रिया यहाँ कराओ या फिर कहीं पर अभिक्रिया करा दीजिए, एक ही उत्पाद बनेगा। आप अभिक्रिया अगर यहाँ पर कराते हैं तभी भी नाम हो गया वन क्लोरो साइक्लोपेंटेन। अभिक्रिया आप यहाँ पे नहीं कराते, दूसरी जगह कराते, जहां पे अभिक्रिया करा दी आपने साइक्लोपेंटेन, आपने अभिक्रिया यहाँ पे, तो ये भी वन क्लोरो साइक्लोपेंटेन ही होगा। अर्थात दिया गया जो कार्बनिक यौगिक है वो क्या रहा होगा, वो साइक्लोपेंटेन रहा होगा, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन कर क्लोरीन द्वारा क्या बनाया, एक मोनोक्लोरो यौगिक, वन क्लोरो साइक्लोपेंटेन ही बनेगा। ये भी वन क्लोरो साइक्लोपेंटेन कहीं पर अभिक्रिया करेगा तो सब आपका वन क्लोरो साइक्लोपेंटेन है। लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया होने पर अलग अलग उत्पाद, अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया करता है तो यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, इन सभी जगहों पर बन सकता है, उत्पाद आपका क्या होगा, वो भिन्न भिन्न। तो ही पूछा गया था कि यह यौगिक की संरचना क्या रही होगी, तो जो लिया गया कार्बनिक यौगिक रहा होगा वो साइक्लोपेंटेन रहा होगा, ठीक है, जो सूर्य के साथ उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके और आपका ये उत्पाद है, ठीक है। अगला दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, एक बार फिर से एक बार बात हो जाती है, क्या दिया गया है, टेन पॉइंट आपका सिक्स है, जिसमें दिया गया सी फोर एच नाइन और बी आर, सी फोर एच नाइन बी आर के कुल कितने समावयवी होंगे, ये टेस्ट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, C4H9Br के कुल कितने समावयवी होंगे। तो आपको बताया गया था C4H9Br के कुल चार समावयवी, तो देखते हैं C4H9 क्वेश्चन नंबर आपका 10.6 है, उसमें दिया गया है कि C4 है और H आपका क्या है 9 और Br इसके साथ लगा है Br, इसके कुल कितने समावयवी होंगे। तो हमने समावयवी बनाने का एक तरीका आपको बताया था, पहले कार्बन परमाणु को ऐसे ही लिख लीजिए 1, 2, 3 और 4, इसमें बी आर आप इस किनारे एक बार लगा दीजिए, फिर बी आर को एक बार खिसकाइए, अगला बनाइए 1, 2, 3 और 4, बी आर अब की बार हमने इस पे लगा दिया, अब की बार क्या करिए इस सी को इस पे लेकर के आइए, अगली संरचना बन गई C1, 2, 3, यहाँ पर बी आर है ही, हमने इस कार्बन को उठा करके इस पे लगा दिया, तो यहाँ पर आकर के लग गया बी आर, सॉरी सी। अगली बार क्या करना है, इस बी आर को इस पे लेकर के आओ, एक संरचना और चौथी संरचना, ये आपको बताई गई थी कि सी लगा ही है, यहाँ पर हमने बी आर लगा दिया और यहाँ पर सी, सबकी वैलेंसी पूरी कर लीजिए, किनारे पर है तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, फिर हो गया CH2 और ये हो गया आपका CH2, ठीक है, चार बार पूरा, ये भी CH3 होगा, CH2 होगा, CH और किनारे है तो CH3 यहाँ पर हो जाएगा, ये भी CH3 किनारे पर है, ठीक है, ये भी आपका CH3 है किनारे पर है, CH होगा, CH2 होगा, ये हो गया आपका CH3, ठीक है, यहाँ पर भी CH3 होगा, CH3 यहाँ पर भी होगा, और ये भी। नाम इसका अगर देखा जाए तो इसका नाम आपका वन पे लगा ब्रोमो, ये प्राथमिक हैलाइड है, वन पे लगा ब्रोमो, वन पे लगा है ब्रोमो, वन ब्रोमो, और क्या होगा, चार कार्बन का हो गया ब्यूटेन, इसको कहते हैं वन ब्रोमो ब्यूटेन, ये हो गया वन, टू पे लगा, ये प्राथमिक हैलाइड है एक प्रकार का, ये प्राथमिक हैलाइड है, ठीक है, ये हो गया आपका टू पे लगा ब्रोमो, ठीक है, टू ब्रोमो, और टू ब्रोमो के बाद आपका क्या ब्यूटेन होगा, टू ब्रोमो ब्यूटेन है, यह एक प्रकार का द्वितीयक हैलाइड है, ठीक है, द्वितीयक कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा तो द्वितीयक हैलाइड, ये भी प्राथमिक हैलाइड है लेकिन लंबी श्रृंखला 1, 2, 3 कार्बन की है, तो वन पे लगा ब्रोमो, टू पे लगा मेथिल, बिल्कुल साइड चेन, तो नाम हो गया वन ब्रोमो हो गया, वन ब्रोमो के साथ आपका क्या होगा, टू पे लगा मेथिल, टू पे लगा मेथिल, और चार का सॉरी तीन कार्बन का प्रोपेन, तीन कार्बन का हो जाएगा प्रोपेन, तो वन ब्रोमो टू मेथिल और 1, 2, 3 कार्बन का प्रोपेन, ये भी एक प्राथमिक हैलाइड है क्योंकि जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन लगा वो प्राथमिक कार्बन परमाणु है। बात करते हैं इसकी, तो 1, 2, 3 लंबी श्रृंखला हो गई, टू पे लगा ब्रोमो, टू पे लगा मेथिल और 1, 2, 3 कार्बन का प्रोपेन, तो नाम हो गया टू ब्रोमो, बिल्कुल टू ब्रोमो है, और टू पे लगा और मेथिल भी लगा है, टू ब्रोमो टू मेथिल और तीन कार्बन की प्रोपेन, टू ब्रोमो टू मेथिल प्रोपेन, और इसमें क्या होगा भैया, ये दूध कैसा है, तृतीय, जिस कार्बन परमाणु से लगा वो तृतीय, तो ये तृतीय हैलाइड कहलाएगा।
तो इस प्रकार से आपका जो है वो क्या होगा, C4H9Br के कुल चार समावय होंगे। पहले का नाम हो गया 1-bromobutane, दूसरे का नाम हो गया 2-bromobutane, तीसरे का नाम हो गया 1-bromo-2-methylpropane और चौथे का नाम हो गया आपका 2-bromo-2-methylpropane। ये इसके IPC नाम हो गए। अगला आता है क्या, 10.7 लिखा है, निम्नलिखित से आयोडोब्यूटेन 1-iodobutane प्राप्त करने का समीकरण दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके अनुसार हमको क्या बनाना है, 1-iodobutane बनाना है। ठीक है, आप इसके आईपीएससी को देख सकते हैं और इस तरह से इसको बना सकते हैं, जो भी आईपीएससी होगा वो बन जाए। देखिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, एक बार दो बार रटने से चीजें नहीं आएंगी, आप समझिए एक बार दो बार तीन बार लगाने से तब आएगा। इसके ऊपर आप लोग को मेहनत करना है। दिया गया है निम्नलिखित से आप 1-iodobutane प्राप्त करने का समीकरण दीजिए। ठीक है, 10 पॉइंट आपका 7 है। ठीक है, जिसमें आपको प्राप्त क्या करना है, 1-iodo, बिल्कुल 1-iodo और ब्यूटेन। ठीक है, 1-iodobutane ये बनाना है, नहीं लेकिन किससे किससे बनाना है, पहला दिया गया है, पहला दिया गया 1-butanol से। ठीक है, 1 पे लगा 1-butanol, ये दिया गया, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, 1-iodobutane प्राप्त करना है, पहला दिया गया है 1-butanol, ये हो गया 1-butanol। दूसरा क्या है, दूसरा दिया गया 1-chlorobutane, बिल्कुल 1 पे लगा आपका क्लोरो, 1 पे लगा क्लोरो, 1-chlorobutane, 1-chlorobutane हो गया, 1-chlorobutane हो गया। और तीसरा दे दिया गया ब्यूट वन, ये हो गया आपका ब्यूट है, और 1 पे लगा आपका क्या है, ये है ब्यूट वन ई। ठीक है, ये ब्यूट वन ई, इन सभी चीजों हमको बनाना है 1-iodobutane। ठीक है, देखिए आयोडो अगर बनाना है तो आयोडीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर एनसीईआरटी देखा जाए तो एनसीईआरटी में इसके लिए आपके पास एक अभिक्रिया आती है जिसको हम लोग कहते थे क्या, फ्लिंकेस्टाइन अभिक्रिया। उसमें हम लोग क्या करते थे, कोई भी पहले एल्किल हैलाइड, मतलब क्या होगा, एल्किल का चाहे आप क्लोराइड बना लीजिए या फिर एल्किल का ब्रोमाइड पहले बनाइए, और इन दोनों की अभिक्रिया जो होती थी वो कराना पड़ता था सोडियम आयोडाइड के साथ, तब जाकर के बनता था आपका एल्किल आयोडाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है कि भैया इनको चाहे क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड में बदल लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं ब्यूटेन वन ऑल, तो ब्यूटेन वन ऑल क्या हो गया, ये पहला समीकरण आपको सॉल्व करके दिखाया जा रहा है। ब्यूटेन वन ऑल मतलब ब्यूटेन माने चार कार्बन। ठीक है, CH3, CH2, फिर हो गया CH2, और ये हो गया CH2, और इसके साथ लग गया OH, ये ब्यूटेन वन ऑल, ये OH हमने ऐसे लिखा। हमने आपको एक अभिक्रिया बताया था डार्जन अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें हम लोग लेते थे क्या, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, SO यहाँ पर हो गया, Cl इधर पर, Cl इधर। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम लोग कहते थे बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था एल्किल हैलाइड बनाने का। बना क्या, ये बनने वाला जो उत्पाद बन गया वो बन गया CH3, फिर CH2, आगे देखेंगे CH2 बना, और CH2 के साथ फिर CH2, और CH2 के साथ लग गया Cl। ठीक है, क्या निकल गया, माइनस का निकल गया आपका SO2 गैस, और माइनस का निकल गया Cl, तो माइनस का SO2 और माइनस निकल गई Cl, ये दोनों गैस अवस्था में होते हैं जिसके कारण इसको पृथक करने की आवश्यकता नहीं होती। अब क्या कर ले, इसकी अभिक्रिया पढ़ाया गया था वही फ्लिंकेस्टाइन अभिक्रिया। ठीक है, फ्लिंकेस्टाइन अभिक्रिया में लेते हैं एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। सोडियम आयोडाइड में क्या होता है, Na जो होता है वो Cl को हटा देता है और आयोडीन को ला करके यहाँ पे लगा देता है। ठीक है, तो माइनस का निकल गया NaCl, बनने वाला उत्पाद अब I आकर के यहाँ पे लग गया, बाकी चीजों को ऐसे ही लिखिए, बस I यहाँ पर लगा दीजिए, Cl को यहाँ से हटा दीजिए, तो बनने वाला उत्पाद CH3, CH2 और फिर CH2 हो गया, और CH2 के साथ फिर एक बार CH2 और I, नाम हो गया 1-iodo, आयोडो नहीं 1-iodo, और चार कार्बन की हो गई ब्यूटेन, इसका नाम है 1-chlorobutane, 1 पे लगा क्लोरो, बिल्कुल 1-chloro और ब्यूटेन 1-chlorobutane। अगला क्या बना आपका, ये हो गया आपका क्या, ये 1-butanol था, पहले दिया गया था 1-butanol, नहीं 1-butanol। दूसरी अभिक्रिया जो दिया जा रहा है वो कुछ इस प्रकार का है, क्या कह रहा है, कह रहा 1-chlorobutane, तो 1-chlorobutane से आपकी दूसरी अभिक्रिया यहाँ से हो सकती है।
दूसरी अभिक्रिया में हमको क्या करना है, ये यहीं से खाली इतने दे लिखना नहीं, ये वन क्लोरोब्यूटेन है अर्थात यहाँ से आप यहाँ पर डायरेक्ट बना सकते हैं। तो वन क्लोरोब्यूटेन से वन आयोडोब्यूटेन खाली हम लोग इस तरह से करा देंगे, इंटेस्टाइनल क्रिया हो जाएगी, ये वन क्लोरोब्यूटेन वन आयोडोब्यूटेन बन जाएगा। तो हमको ये लिखने की आवश्यकता वहां पर नहीं पड़ेगी। अब बात आती है तीसरे की, दूसरा हो जाएगा ना आपके, ये दूसरा कंडीशन आपका यही पे बता रहा है कि दूसरा यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब तीसरा देखते हैं, तो तीसरे में क्या कह रहा भाई, तीसरे में कह रहा है भाई, तीसरे में कह रहा क्या, ब्यूट वन ईन, ब्यूट माने चार कार्बन है, ब्यूट माने चार कार्बन हो गया, ठीक है, सी एच थ्री और सी एच टू, फिर सी एच और डबल बॉन्ड सी एच टू, ये ब्यूट वन ईन है, चार कार्बन की ब्यूट हो गई और वन पर ईन है। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर लगाना है बी आर, इस पे लेकर क्या, जब बी आर यहाँ पर आएगा तब उस बी आर को हटा करके हम लोग सोडियम आयोडाइड से क्रिया करा देंगे। तो हम पहले अभिक्रिया कराएं एच बी आर के साथ, एक योगात्मक अभिक्रिया आती है एच बी आर आप लीजिए, और एच बी आर में अगर देखिए जब तक हम परऑक्साइड नहीं लेंगे तब तक ये मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार एडाइन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम कम। तो हम लोग जब बी आर यहाँ लगा देंगे तो आई भी यहीं पर आकर के लगेगा और हमको बी आर इस पे लगाना है, इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, परऑक्साइड लेना पड़ेगा, परऑक्साइड पी ई आर ओ एक्स आई और डी ई, और जब परऑक्साइड ले लिए अब क्या होगा, परऑक्साइड आपको बताता है कि ऋणायन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम हो गया, ये परऑक्साइड लेते ही एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम हुआ, और जब एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम हुआ तो बना क्या, ये सी एच थ्री सी एच टू सी एच है, एच और पा गया तो बन गया सी एच टू, नहीं तो अगला जो उत्पाद बना वो हम लिख रहे हैं सी एच थ्री, सी एच थ्री के साथ सी एच टू और सी एच टू साथ फिर से सी एच टू, और ये बन गया सी एच टू के साथ आकर के लग गया बी आर। तो ये ब्यूट वन इन थी, बिल्कुल ये ब्यूट और वन पे लगा इन, ब्यूट वन इन थी, उससे बन गया वन ब्रोमो ब्यूटेन, वन पे लगा ब्रोमो, नाम हो गया वन ब्रोमो और चार कार्बन का हो गया ब्यूटेन, वन ब्रोमो ब्यूटेन बना दिया। और वन ब्रोमो ब्यूटेन की अभिक्रिया अब सोडियम आयोडाइड से करा दीजिए, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया एन ए आई के साथ क्या करेगा, एन ए बी आर निकल जाएगा और आई आकर के लग गया, माइनस का निकल गया एन ए बी आर और क्या बना, आई आकर के लग गया, बन गया वन आयोडो ब्यूटेन अर्थात सी एच थ्री, फिर सी एच टू, फिर हो गया सी एच टू, नहीं और ये हो गया सी एच टू और उसके साथ लग गया आई, नाम इसका हो गया वन आयोडो, नहीं वन आयोडो और ब्यूटेन, ये हो गया वन आयोडो ब्यूटेन। तो इस प्रकार से आपकी अभिक्रिया जो हो गई वो तीनों हो गई, वन आयोडो ब्यूटेन आप ब्यूटेन वनॉल से कैसे प्राप्त करेंगे, तो ब्यूटेन वनॉल की अभिक्रिया पहले SOCl2 के साथ कराओ, थायोनिल क्लोराइड से कराने पर क्या प्राप्त होगा, वन क्लोरोब्यूटेन, और वन क्लोरोब्यूटेन से आप सोडियम आयोडाइड ले लीजिए, जब सोडियम आयोडाइड लेंगे तो बन जाएगा आपका वन आयोडो ब्यूटेन। आपको अभिक्रिया करानी है क्या, ये दूसरा दिया गया वन क्लोरोब्यूटेन, तो ये दूसरी अभिक्रिया यहीं से आपकी चालू हो जाएगी, वन क्लोरोब्यूटेन लीजिए सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराइए, बन जाएगा आपका वन आयोडो ब्यूटेन। अगली अभिक्रिया दी गई ब्यूट वन इन से, तो ब्यूट वन इन हमने बनाया, ब्यूट वन इन की अभिक्रिया पहले हमको बी आर को वन पे लाना पड़ेगा, क्योंकि जब बी आर वन पे आएगा तभी हम उसको आई में परिवर्तित कर पाएंगे, तो वन पे बी आर लाने के लिए हमको एंटी मार्कोनिकॉफ का सहारा लेना पड़ा, जिसमें परऑक्साइड लेने पर जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं हैलाइड वहां जाते हैं अर्थात एडाइन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, सॉरी अधिक होती है, जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया ना, इसको हम लोग कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ, ए एन टी आई एंटी मार्कोनिकॉफ है, जब एंटी मार्कोनिकॉफ तो बन गया वन ब्रोमो ब्यूटेन, और वन ब्रोमो ब्यूटेन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से करा दिया गया तो बन गया वन आयोडो ब्यूटेन। अगली अभिक्रिया देखते हैं हम लोग 10.8 बता रहा कि उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, उभयदंती आपको एक बार बताया गया था, वे नाभिक रागी या फिर क्या वे समूह जिसके बारे में मैंने इसको टेस्ट में भी दिया था आप लोगों को, उभयदंती नाभिक रागी के बारे में मैंने दो दो एग्जांपल आपको दिए हैं। उभयदंती नाभिक रागी में हमारे पास क्या पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड की एक अभिक्रिया थी, पोटेशियम नाइट्राइड और एल्किल नाइट्राइड की भी एक अभिक्रिया आपको बताई गई है। इसमें उभयदंती नाभिक रागी क्या है मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि उभयदंती मतलब होता है क्या, जिसके पास दो डोनर साइट हो, अर्थात क्या
ऐसा समूह या फिर ऐसा अणु, ठीक है, जिसके पास दो स्थानों से, मान लिया पास कोई अणु है, ठीक है, मान लीजिए कुछ ए और बी ऐसे लगे हुए, दो स्थानों से इलेक्ट्रॉन युग्म किसी को अगर कोई प्रदान कर सकता है उसी को हम लोग कहते हैं उभयद्वंद, ठीक है, एम्बिडेंटेड कहलाता है। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके पास है 10.88 10.8 में लोग देख रहे हैं, 10.8 में पूछा जाता है उभयदंती, ठीक है, नाम है उभय, उभय मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयदंती, तो उभयदंती, उभयदंती नाभिक रागी कहा गया है, ठीक है, नाभिक रागी भी, उभयदंती नाभिक रागी, नाभिक रागी का मतलब हो गया जिसके पास क्या हो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। हमने आपको बताया नाभिक रागी कैसे पहचानते हैं, अगर ए और बी, माना ऐसे ए और बी हैं दो परमाणु जो एक दूसरे के साथ सह संयोजक बंध से बने हैं, अगर कोई परमाणु इसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन मान लिए ए बी की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो साझे का इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनके ऊपर क्या आता है, बी के ऊपर आया माइनस चार्ज, और प्लस जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, दो चीजें बना नहीं। अब हमने आपको बताया था कि भैया कोई परमाणु है तो परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है वो धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग कक्षाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं। अब ये दो आयन जो बने हैं, एक धन आयन एक ऋण आयन या फिर कैट आयन एन आयन, तो किसके पास कौन जाएगा उसी के आधार पर इनका नाम पड़ गया है। अगर ये ऋण आयन है तो ऋण आयन किसके पास जाएगा, नाभिक के पास, इसलिए इसको कहा जाता है नाभिक रागी, इसको हम लोग कहते हैं नाभिक रागी, ये नाभिक रागी है, ठीक है। इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल NUCLU न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये क्या होगा, ये किसके पास दौड़ा दौड़ा पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन के पास, क्योंकि किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी वो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, इसलिए इसका नाम जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन रागी, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन रागी। अर्थात ऐसा कोई भी धन आवेशित कण जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन रागी कहेंगे, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उनको लोग नाभिक रागी, क्योंकि ये नाभिक के पास, इसको हम लोग नाभिक कहते हैं, ये नाभिक कहलाता है, तो जो नाभिक के पास जाएगा उसको हम लोग कहेंगे नाभिक रागी, और जो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन रागी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से नहीं इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रोफाइल में, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल भी, इसको कहते हैं ELECTRO इलेक्ट्रोफाइल में PH। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपको यहाँ पे बता गया, हमको कहना क्या उभयदंती नाभिक रागी, अर्थात कोई ऐसा परमाणु या समूह जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो वही नाभिक रागी है, उभयदंती मतलब उसको दो स्थान के से इलेक्ट्रॉन दे सके। तो ये ध्यान रखेंगे कि भैया नाभिक रागी किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन रागी, नाभिक रागी मतलब जिसके ऊपर ऋण आवेश हो या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, और इलेक्ट्रॉन रागी मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो या फिर उसके पास धन आवेश हो। तो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्या नाभिक रागी, देखते हैं हमारे पास क्या उभयदंती का क्या अर्थ है। उभयदंती का अर्थ है कि भैया जिसके पास दो स्थानों से इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता होती है, जैसा कि आपको बताया गया है कि अगर कोई एल्किल हैलाइड R है, R के साथ लगा X, एल्किल हैलाइड है, अगर इसकी अभिक्रिया जो होता है हम लोग क्या करते हैं पोटेशियम साइनाइड KC ट्रिपल बॉन्ड आपका पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं, तो पोटेशियम साइनाइड में पोटेशियम और साइनाइड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा आयनिक प्रकृति का है। आयनिक प्रकृति का मतलब है ये बॉन्ड आसानी से वियोजित होकर इस प्रकार से क्या करता है एक के ऊपर ऋण आवेश, क्योंकि कार्बन और ये धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके पास प्लस चार्ज, ठीक है, और जो प्लस है इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका नाभिक रागी बन करके तैयार हो गया। अब ये नाभिक रागी क्या करेगा, यहाँ पर आक्रमण करेगा, बनने वाला जो उत्पाद बनेगा वो क्या बना अब देखेंगे, बनने वाला कंपाउंड R, R के साथ आकर के C और ट्रिपल बॉन्ड आपका एन आर करके लग गया, और प्लस क्या निकल गया के और एक्स, ये बन जाता पोटेशियम हैलाइड। तो इस समय यहाँ पर आपका जो है वो कार्बन परमाणु जो है वो नाभिक रागी की भांति व्यवहार कर रहा है, नाभिक रागी, ये इस समय नाभिक रागी की भांति व्यवहार कर रहा है, ठीक है, नाभिक रागी कार्बन परमाणु है।
अगली बात आती है, अगर हम थोड़ा सा परिवर्तन इसी प्रकार से करें, जैसे हम लोग ले लिए R और R के साथ X, एल्किल हैलाइड अभी भी है, और हमने क्या कर दिया, अभिक्रिया क्या है, सिल्वर साइड AgC और ट्रिपल बॉन्ड अप N, ठीक है। इस समय क्या होता है, ये कार्बन, ये दोनों थोड़े से इनके जो बॉन्ड है वो सह संयोजक है, यह बंध कैसा था, यह बंध आयनिक था, आयनिक था नहीं, और आयनिक होने के नाते ये बॉन्ड जल्दी से टूट गया, वियोजित हो गया जलीय विलयन, ये सह संयोजक है, ये बॉन्ड कैसा है, सह संयोजक, ठीक है, इसलिए आसानी से ये वियोजित नहीं हुआ। तो क्या करता है, अब नाइट्रोजन परमाणु, देखिए और किसी के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, नाइट्रोजन के पास इसके बाद भी बॉन्ड बनाने के बाद भी लोन पे इलेक्ट्रॉन शेष बचा है, तो ये नाभिक रागी इस समय नाइट्रोजन परमाणु आक्रमण करके प्रतिस्थापन करता है, तो बनने वाला जो उत्पाद होता है वो बन गया आर, और आर के साथ आया एन, एन के साथ लग गया आपका सी, और एक उपसह संयोजक बन बन गया, ये बनाता है आइसोसायन, और प्लस बाद में निकल जाता है क्या, ए जी और एक्स, सिल्वर है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं इस समय यहाँ पर नाभिक रागी हमारा नाइट्रोजन परमाणु है, नाभिक रागी, ठीक है, तो नाभिक रागी, तो नाभिक रागी नाइट्रोजन परमाणु, ये नाइट्रोजन परमाणु नाभिक रागी। तो कोई भी समूह, ऐसा समूह जिनके पास दो परमाणु हो और दोनों परमाणु कभी कभी नाभिक रागी की भांति व्यवहार करें, अलग अलग अभिक्रियाएं प्रदर्शित करें, तो ऐसे अणु को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे अणु को कहते हैं उभयदंती नाभिक रागी। ऐसा अणु जिनके पास दो भिन्न भिन्न परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके सहसंयोजक आबंध बनाने की क्षमता होती है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं उभयदंती नाभिक रागी, ठीक है। ये बनता है आपका एल्किल साइनाइड, इसको कहते हैं हम लोग एल्किल साइनाइड, ये होता है एल्किल साइनाइड, और ये होता है एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है, एल्किल और आइसोसाइनाइड। तो हमने आप लोग को एल्किल साइनाइड और यह एक उदाहरण है जो क्या करता है, उभयदंती नाभिक रागी के बारे में बताता है। आप अगर थ्योरी लिखेंगे तो वे नाभिक रागी जिनके पास किस, मतलब क्या, वे समूह जिनके पास दो स्थानों से इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता होती है वो कहलाते हैं उभयदंती नाभिक रागी। तो जैसे साइनो समूह है वो उभयदंती नाभिक रागी है। एक बार अगर पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया कराई जाती है एल्किल हैलाइड के साथ, तो उस समय कार्बन परमाणु जो होता है वो नाभिक रागी की भांति व्यवहार करता है, जबकि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ कराई जाती है तो इसमें नाइट्रोजन परमाणु जो होता है वो नाभिक रागी की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। बस इस प्रकार से आपको वहां पर लिखना, थ्योरी भी लिखनी है और साथ में आपको अभिक्रिया भी देनी है। चलो इसको हटा लेते हैं, एक ही अभिक्रिया, अगली एक अभिक्रिया और आप लोग को पढ़े होंगे जिसमें हम लोग लेते थे क्या भैया, सिल्वर, सॉरी सिल्वर नाइट्राइड और पोटेशियम नाइट्राइड, ठीक है, उसको आगे हमने नोट्स में वहां पे नोट कराया, सेम प्रॉपर्टी वहां पर भी है। इसमें एक उदाहरण पूछा गया था, आप एक उदाहरण लिख सकते हैं, अगर दूसरा उदाहरण पढ़ना चाहते तो उसको भी बता देते, क्या दिक्कत उसमें, सिल्वर नाइट्राइड वाला भी बता देते हैं। एक होता है आपका क्या, ये भी देखिए, एक तो उदाहरण आपका ये है, दूसरा उदाहरण आपके एनसीईआरटी के अनुसार ये बताया गया कि अगर कोई एल्किल हैलाइड है R और X, इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग पोटेशियम नाइट्राइड, ये सूत्र के ओ एन और डबल बॉन्ड ओ, इसको लोग कहते हैं पोटेशियम नाइट्राइड, ठीक है, ये होता है आपका पोटेशियम नाइट्राइड। पोटेशियम नाइट्राइड, और जो पोटेशियम नाइट्राइड है इसकी जो अभिक्रिया कराते हैं तो ये भी कैसा है, आयनिक प्रकृति का है, वही आयनिक प्रकृति इसका भी है, ये भी बॉन्ड वियोजित हो जाएगा। आयनिक प्रकृति होने के नाते ये जो एन धातु होते हैं ऑक्सीजन परमाणु, पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज। अब इस समय यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु नाभिक रागी की भांति व्यवहार करके क्या करता है, हैलोजन को यहाँ से हटा देता है, तो बनने वाला जो उत्पाद बनता है वो बनता है आर, आर के साथ ओ एन डबल बॉन्ड आपका, ठीक है, और प्लस क्या निकल जाता है, प्लस निकल जाता है के और एक्स, इसको लोग कहते हैं एल्किल नाइट्राइड, ये कहलाता है आपका एल्किल नाइट्राइड, एल्किल और फिर नाइट्राइड, आर मतलब एल्किल समूह, अगर सी एस थ्री तो मेथिल नाइट्राइड हो जाएंगे, एल्किल नाइट्राइड, एल्किल नाइट्राइड, अर्थात
अगर हम लोग एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइड के साथ कराते हैं तो इसमें ऑक्सीजन परमाणु नाभिक रागी की भांति व्यवहार करके एल्किल नाइट्राइड का निर्माण करता है। जबकि अगर देखा जाए यही एल्किल हैलाइड है आर एक्स है, अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं सिल्वर नाइट्राइड ए जी ओ एन डबल बॉन्ड ओ सिल्वर नाइट्राइड है, तो जब इसकी अभिक्रिया होगी तो इस समय ये बॉन्ड वियोजित होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं सिल्वर नाइट्राइड है, ये सिल्वर नाइट्राइड। और जब सिल्वर नाइट्राइड है तो ये बॉन्ड जल्दी से वियोजित नहीं होगा, उस समय क्या करता है ये नाइट्रोजन परमाणु के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन युग्म अपना प्रदान करता है। तो बनने वाला जो उत्पाद होता है वो बनता है क्या आर, देखो आर अब एन से बॉन्ड बनेगा, आर बनेगा एन, एन के साथ एक डबल बॉन्ड ओ और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑफ ओ और प्लस बन जाता है ए जी और एक्स, इसको कहते हैं नाइट्रो एल्केन, इसका नाम होता है नाइट्रो एल्केन नहीं नाइट्रो और एल्केन। तो आप ध्यान देंगे क्या होता है अगर हमारे पास क्या होगा एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराया जाता है तो इसमें नाइट्रोजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके नाभिक रागी की भांति व्यवहार करता है और बनने वाला उत्पाद जो होता है वो नाइट्रो एल्केन होता है। वहां पर क्या होता है एल्किल नाइट्राइड बनती है और यहाँ पर नाइट्रो एल्केन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सी 10.8 खत्म होता है, ठीक है। बात आती है 10.9 की, ठीक है 10.9 चलिए देखते हैं इसको हटा दें, ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। अगली बात आती है 10.10.9 10.9 में दिया गया है 10.9 अगर देखें, ठीक है 10.9 है कह रहा निम्नलिखित युगलों में, ठीक है ये निम्नलिखित में प्रत्येक युगलों में कौन सा यौगिक जो होता OH के साथ OH हाइड्रोक्सिल आयन के साथ SN2 अभिक्रिया अधिक तीव्रता से प्रदर्शित करता है, ठीक है। आपको SN2 अभिक्रिया जब बताई गई थी बात आती है अगर SN2 की नहीं, इसको हम लोग कहते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर अर्थात द्वि अणुक, ठीक है द्वि अणुक कहलाता था, ये द्वि अणुक था और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, ठीक है द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है नाभिक स्नेही और प्रतिस्थापन क्रिया स्थापन प्रतिस्थापन क्रिया है। और जब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया की बात हुई थी द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया की बात हुई थी तो बताया गया था ये क्या होता था यह एक चरण में संपन्न होने वाला क्रिया है, अर्थात इसमें है तो SN2 एक ही चरण में होता था। इस चरण में क्या होता था हाइड्रोक्सिल आयन जो होता था बाधा कम होने के कारण किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ या पास एल्किल हैलाइड मिथिल हैलाइड BR मान लिया हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन जो होता था वो आसानी से पीछे से आक्रमण करता था और बनता था एक मंद दर से एक अभिक्रिया होती थी मंद दर से बनता था एक संक्रमण अवस्था आती थी और संक्रमण अवस्था में धीरे धीरे ये अपना बॉन्ड इनके साथ बनाता था OH बॉन्ड ये धीरे धीरे बनाता था किसके साथ इस कार्बन परमाणु के साथ, इसके साथ एक एच ये अगला एच और एक एच ये तीन हाइड्रोजन परमाणु और इधर ये बॉन्ड BR का बॉन्ड धीरे धीरे डिसोसिएट होता था BR। तो ये दो क्रियाएं एक साथ होती थी जिसके कारण इस अवस्था को कहा गया था संक्रमण अवस्था संक्रमण अवस्था ये संक्रमण अवस्था। फिर बाद में कुछ देर के बाद तीव्रता से ये तीव्र गति से अभिक्रिया हो करके उत्पाद में बदलता था अर्थात ये बॉन्ड टूट करके निकल जाता था BR और OH अपना बॉन्ड जोड़ देता था ये बन गया O और H ये हाइड्रोक्सिल समूह कार्बन परमाणु से आकर के जुड़ जाता था और प्लस निकल जाता था BR माइनस। ये संरचना हमने बताया था ना छाता जो है वो कुछ इस प्रकार से अगर है तो क्या होता था छाता ऐसे नहीं तो जब हवा लगी तो छाता उलट जाता था तो इसकी संरचना जैसे तीनों हाइड्रोजन परमाणु अभी इधर की तरफ है लेकिन जैसे इधर से इसका झोंका आता ये तीनों हाइड्रोजन परमाणु इधर आ गए। यह क्रिया जो थी वो वाल्डर साहब ने देखी थी जिसकी वजह से इसे कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन संरचना का उलट जाना वाल्डन इन्वर्जन कहलाता है।
वाल्डन इन्वर्जन, जो वाल्डन इन्वर्जन है उलट जाना नहीं, अर्थात अगर कोई अभिक्रिया के समय डेक्स्ट्रो रोटेटेड डी प्लस वाला अभिकारक लिया गया है, उत्पाद जो बनता है वापस कैसा हो जाता है, वो एल माइनस उलट जाता है उसकी संरचना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लीवो रोटेटरी बनता है। ये हो गया। अब ये बात अगर देखी जाए तो बाधा नहीं, देखिए जब बाधा नहीं, छोटे छोटे परमाणु जो होते हैं वो बाधा उत्पन्न नहीं करते, तो जब बाधा नहीं तो हमने बताया था कि क्रियाशीलता सबसे ज्यादा इसी की है, अर्थात CH3, C के साथ 3H है, तो CH3 और Br की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा हो गई। उसके बाद अगर हमने एक एक समूह बढ़ाना चालू कर दिया तो ये क्या करेंगे, अब अवरोध उत्पन्न करना चालू करेंगे, आकार बड़ा हो गया, अवरोध उत्पन्न करेंगे, अर्थात इससे कम क्रियाशील कौन हो गया, CH3 और CH2 और Br, तो CH3 और CH2 Br की क्रियाशीलता और कम कर दी। हमने एक और बाधा बढ़ा दिया, एक और CH3 लगा दी, आकार और बड़ा हो गया, अवरोध बढ़ गया, क्रियाशीलता कम, अब CH3 दो बार और CH, तो इस तरह से लिखेंगे CH3 का होल ट्वाइस और CH, ये CH और है Br, इसकी क्रियाशीलता, और सबसे कम क्रियाशीलता जो हो गई, एक और बाधा बढ़ गई, तो CH3 कितनी बार हो गई, तीन बार, नहीं ये हो गया CH3 का होल थ्राइस और Br, इसकी क्रियाशीलता सबसे कम, अर्थात ये मेथिल है, ठीक है, मेथिल की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा क्योंकि बाधा कम है, तो मेथिल की क्रियाशीलता, ये मेथिल हो गया MeTH और YN, ये हो गया प्राथमिक, क्यों, क्योंकि इसके साथ एक कार्बन है, ये हो गया, जब दो लोग हो गए इसका मतलब ये हो गया द्वितीयक, और ये कैसा हो गया तृतीयक, तो ये क्रियाशीलता सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, मेथिल वाला, उसके बाद प्राथमिक होगा, तब द्वितीयक होगा और तब तृतीयक, ये SN2 के प्रति, ठीक है, के प्रति क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का क्या हो गया, बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम, अब इसी के अनुसार आपको देखना। और एक चीज और हमने बताया था, जैसे जैसे एल्किल एल्किल फ्लोराइड हो गया, एल्किल की क्लोराइड हो गई, एल्किल की ब्रोमाइड हो गई और एल्किल की आयोडाइड हो गई, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं इनके आबंध की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है, तो ब्रोमाइड अर्थात इसकी क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ये और मंद टूटेगा, ये अर्थात क्रियाशीलता जो होती है बढ़ती है, रिएक्टिविटी, RECTI और VITY, रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे एल्किल हैलाइड के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है। तो जो पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया 10.9 का पहला है, इसमें एक दे दिया गया है क्या, CH3Br अथवा CH3I, ठीक है, तो R के जगह आप Br भी लिख लीजिए, I लिख लीजिए, तो कौन ज्यादा क्रियाशील होगा, नीचे आने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, अर्थात ये ज्यादा क्रियाशील होगा, ये कम होगा, तो दिया गया है CH3 और Br है, CH3 के साथ लगा Br है और क्या है, CH3 और I है, तो आपको भी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, आबंध की लंबाई बढ़ने के कारण क्रियाशीलता बढ़ जाती है, इससे ज्यादा क्रियाशील ये होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्किल आयोडाइड जो होगा वो ज्यादा क्रियाशील SN2 के प्रति, हो गया। अगला दिया गया इसमें CH3 का होल थ्राइस CCl है, ऐसे लिखा हुआ दूसरा, CH3 का होल थ्राइस और C के साथ लगा Cl, और एक दे दिया गया CH3 और Cl, ठीक है, तो CH3Cl आपका मेथिल है, यहाँ पे Cl के Br के Cl लिखो और यहाँ पे इसके जगह पे Cl लिखो, ठीक है, CH3 यहाँ पे C बचा हुआ, सॉरी यहाँ पर एक C रहेगा तब Br लगेगा, CH3 का होल थ्राइस C तब Br, तो CH3 का होल थ्राइस C तब Br, तो यहाँ पर Br की जगह पे बस इतना ध्यान देना है कि भैया इस Br वाले स्थान पर, Br वाले स्थान पर क्या लिखा हुआ, C रखा हुआ, Cl, अरे भाई जी यस सर, ठीक है, Br वाले स्थान पर क्या हो गया, Cl हो गया, और यहाँ पर भी वही है, तो इन दोनों में कौन क्रियाशील ज्यादा है, ये क्रियाशील, तो आपको यहाँ पता है कि मेथिल क्लोराइड की क्रियाशीलता ज्यादा हो जाएगी, SN2 के प्रति ये ज्यादा क्रियाशील होगा, ये कम होगा, ये ज्यादा क्रियाशील होगा, ये कम होगा, ठीक है, तो ये हो गया SN2 के प्रति क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है। अगली अभिक्रिया आती है 10.10, ठीक है,
वीडियो बड़ी हो रही होगी तब तो 44 मिनट हो गया।